2024 के लोकसभा चुनाव में 4 चरणों में मतदान संपन्न हो चुका है और 5वें चरण का मतदान 1 जून को होने वाला है। ऐसे में भाजपा पार्टी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में रैली और जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी की गारंटी देकर जनता को भाजपा को वोट देने के लिए अपील कर रहे हैं। कई मौकों पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वो देश की मुस्लिम जनता पर भी तंज कसते हुए नजर आए। ऐसे में उनकी आलोचना विश्व के कई प्रमुख मीडिया ने भी की थी। इन्हीं सब के बीच न्यूज 18 की एंकर रूबिका लियाकत को इंटरव्यू देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर ये दावा किया कि उन्होंने अपनी स्पीच में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं उठाया था और न ही उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया था। उनका ये इंटरव्यू का संबंधित हिस्सा आप खुद ही देख लीजिए। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आनी पड़ी? मैं हैरान हूँ जी, ये किसने आपको कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहाँ गरीब परिवारों में भी हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहाँ है वहाँ बच्चे भी ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने मैंने वाला अलग था? मैंने न हिंदू कहा है न मुसलमान कहा है। मैंने कहा है कि भाई आप उतने बच्चे हो जिसका आप लालन पालन कर सको, सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। इस बार मुसलमान आपको वोट देगा, आपको उनके वोट की चाहत है? मैं ये मानता हूँ कि मेरे देश के लोग मुझे वोट देंगे। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। व्यूअर्स ध्यान दें कि पीएम मोदी ने अपने इस इंटरव्यू में 2 तरह के दावे किए हैं। पहला कि उन्होंने अधिक बच्चा पैदा करने वालों और घुसपैठियों के बारे में बोलते हुए मुसलमानों का जिक्र नहीं किया और दूसरा ये कि भाषण देते हुए उन्होंने हिंदू मुस्लिम बयानबाजी नहीं की है। गौर करें कि अपने इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों वाले बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था, पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। ये बयान सुनने पर आप साफ समझ ही गए होंगे कि बांसवाड़ा में भाषण देते हुए उन्होंने सांप्रदायिक बातें कही थी और मुसलमानों को टारगेट भी किया था। दूसरी बात, उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि वो हिंदू मुस्लिम को लेकर बयानबाजी नहीं करते हैं। हालांकि झारखंड में पीएम मोदी ने स्पीच देते हुए ये कुछ बातें कही थी। हमें एक बात याद रखनी है, जो झारखंड के बहुत बड़े गुनहगार है, जिन्हें चारा घोटाले में अदालत ने सजा दी है, जो बिहार और झारखंड में जंगल राज के प्रतीक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को ही दे देना चाहिए। यानी जेजेएम, कांग्रेस और आरजेडी की चली तो एससी एसटी ओबीसी के पास कहीं कोई आरक्षण नहीं रह जाएगा। आपका पूरा आरक्षण छीन कर ये लोग मुस्लिमों को देना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आपको ये स्वीकार्य है? आपको ये मंजूर है?
कांग्रेस जामुमो को अपने आरक्षण पर डाका डालने देंगे क्या आप? साथियों, तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान दलित, पिछड़ा और आदिवासी को होता है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो उसने खेल कई राज्यों में खेला। कांग्रेस ने घुसपैठियों को समर्थन दिया, नतीजा ये कि दलित और आदिवासियों की जमीन पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया। अब वही आग ये लोग झारखंड में लगाना चाहते हैं। जेएमएम सरकार में यहां घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हमारे आदिवासी समाज की बच्चियां घुसपैठियों का शिकार हो रही है। बच्चियों को जिंदा जलाने की घटिया सामने आ रही है। ये जो घुसपैठिया आए हैं, ये क्या वहां से अपनी जमीन लेकर आए हैं क्या? ये किसकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं? दलित आदिवासी की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं ये लोग। झारखंड और भारत की पहचान बदलना चाहते हैं, इसलिए आपको इनसे सावधान रहना है। वहीं राजस्थान में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था, कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 7 मई को मध्य प्रदेश के खरगोन में एक चुनावी रैली में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कुछ बातें कही थी। भाइयों और बहनों, आज भारत इतिहास के एक अहम मोड़ पर खड़ा है। आपको ये तय करना है कि भारत में वोट जिहाद चलेगा या राम राज्य चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुसलमानों को टारगेट करने वाला ये बयान कोई नई बात नहीं है। 2002 के चुनाव प्रचार के दौरान उस वक्त भी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा था कि मुस्लिम राहत सेंटर बच्चे बनाने वाली फैक्ट्रिया है। वहीं अभी कुछ सालों पहले ही 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली में ये कहा था, भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं टीवी पे, उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। और देश, कांग्रेस के लोग, उनके साथी, हमारे विरोध करने वाले लोग, 2019 में ही लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया था। हालात ये है कि कांग्रेस के नामदार ने माइक्रोस्कोप लेकर भारत में एक ऐसी सीट खोजी है जहां पर वो मुकाबला करने की ताकत रख सके, सीट भी ऐसी जहां पर देश की मेजॉरिटी माइनॉरिटी में है। भाषणों के दौरान मुसलमानों पर निशाना साधते हुए पाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन बयानों के वीडियोस देखने पर आप ये समझ गए होंगे कि हाल ही में इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद के बारे में किया गया दावा कि वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं गलत साबित होता है। कई मौकों पर वो मुस्लिम समुदाय को टारगेट करते हुए बयान दे चुके हैं और इसे लेकर मीडिया में भी उनकी चर्चा की गई है।